नमस्कार दोस्तों मैं पवन मेरे चैनल टेकी पवन में आप सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल पर आपको संपूर्ण मनोविज्ञान शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा शास्त्र बाल विकास एक्ट्स राइट्स एन 2005 और जितने भी शिक्षण से संबंधित टॉपिक्स हैं वो सभी मेरे चैनल पर आपको मिल जाएंगे आप उन्हें प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं आज हम पढ़ेंगे व्यक्तित्व मापन विधि का विधि का दूसरा प्रकार बाल संप्रत्यक्ष परीक्षण कैट विधि ये हमारी व्यक्तित्व मापन विधियां चल रही हैं जिसमें हम अभी दूसरी विधि पढ़ रहे हैं कैट विधि कैट विधि के प्रतिपादक लियोपोल्ड बेलोक थे जिन्होंने 1948 में ये विधि प्रतिपादित की इस विधि को बाल संप्रत्य परीक्षण विधि के नाम से भी जाना जाता है इसका विकास ने किया था इसमें कुल कार्ड दस होते हैं और जानवरों के चित्र वाले होते हैं ये दस कार्ड इस परीक्षण में बालक को ये दस कार्ड दिखाकर कहानी लिखने को कहा जाता है और बालक द्वारा विभिन्न शब्दों विचारों भावनाओं आदि को लेकर लिखी गई कहानी का अध्ययन करके बालक के व्यक्तित्व की पहचान कर ली जाती है यह परीक्षण भी व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों रूप में हो सकता है तथा तीन से ग्यारह वर्ष के बालकों के लिए ये विशेष उपयोगी है इसका भारतीयकरण भी उमा चौधरी जी ने किया है